हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए नैपी बनाकर बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन का फैब्रिक लिया है। कॉटन का फैब्रिक हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई यहाँ पर है 11 इंच की और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हमने रखी है 5 इंच की। तो देखिए, इस तरह से फैब्रिक को लेने के बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमारे फैब्रिक को सीधी साइड प्लेस करेंगे। सीधी साइड प्लेस करने के बाद यहाँ पर हमारे फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल बीच में से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये देखिए, ये जो हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है इसे हमें बंद करना है। तो ऊपर से हम स्टिच लगाकर इसे बंद करेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से फैब्रिक के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है। स्टिच लगाने के बाद ओपन साइड बंद हो चुकी है। अब देखिए, सिंपली हम इसे सीधी साइड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम इसे इस तरह से सीधी साइड कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमारा फैब्रिक सीधी साइड आ चुका है और इसके ऊपर मैंने आयन भी लगा ली है ताकि फैब्रिक हमारा अच्छी तरह से स्टिप बैठे। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर से और नीचे से 1/2 इंच पर स्टिच लगाएंगे फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि देखिए ऊपर हमारी कमर आएगी और नीचे की साइड हमारे लड्डू गोपाल जी के पैर आएंगे। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमने ऊपर से और नीचे से 1/2 इंच पर स्टिच लगा ली है। अब देखिए, ऊपर की साइड सिंपली हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे तो कमर आ जाएगी। नीचे की साइड हमारे दो पैर किस तरह से आएंगे वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, सिंपली हम क्या करेंगे, फैब्रिक को एकदम बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कट करेंगे। नीचे की साइड से हमें इसे फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह से बिल्कुल बीच में से इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और देखिए यहाँ पर हम कट लगाएंगे बीच में। देखिए, जहां तक हमारी स्टिच है बिल्कुल वहां तक ही आपको कट लगाना है, उसके आगे हमारा कट नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, सिंपली यहाँ पर अब हम हल्का सा कट लगा लेंगे बिल्कुल बीचों बीच और स्टिच के ऊपर हमारा कट नहीं जाना चाहिए। इस तरह से बीच में से हमने कट लगा लिया है। अब ऊपर हमारी कमर आएगी और नीचे की ओर दोनों साइड हमारे पैर आएंगे। तो चलिए अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 3 इलास्टिक के पीसेस कट कर लिए हैं। इलास्टिक की विड्थ बिल्कुल ही पतली वाली ली है हमने। और देखिए, जो ऊपर की साइड हमारा इलास्टिक आएगा उसकी लंबाई यहाँ पर हमने रखी है 5 इंच की। और देखिए, जो नीचे की साइड हमारे दो पैर के लिए इलास्टिक आएंगे उसकी लंबाई यहाँ पर हमने रखी है 3 इंच की। ठीक है, दोनों इलास्टिक की नीचे की ओर की लंबाई 3-3 इंच की है। अब सिंपली सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे हम इंसर्ट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही देखिए, इस तरह से एक साइड का इलास्टिक खत्म हो जाएगा, उसे हम पिन से सिक्योर करेंगे और फिर दूसरी साइड भी इलास्टिक को निकाल लेंगे। इस तरह से दूसरी साइड हमने इलास्टिक को निकाल लिया है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से इलास्टिक के ऊपर 2-3 बार स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। तो देखिए, इस तरह से इलास्टिक के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है 2-3 बार। तो यहाँ पर अब हमारा इलास्टिक नहीं निकलेगा और इतना ज्यादा स्पेस मिलेगा हमारे लड्डू गोपाल जी को, तो ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होगी। अब नीचे की साइड भी सेम इसी तरह से हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो देखिए, सिंपली इस तरह से इलास्टिक को इंसर्ट करना है और दोनों साइड से इलास्टिक के ऊपर 2-3 बार स्टिच लगा लेनी है ताकि इलास्टिक बाद में निकले ना। तो इसी तरह से दूसरी साइड का भी इलास्टिक हम लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से दोनों साइड का इलास्टिक हमने लगा लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे दो पैर के और ऊपर हमारे कमर का भी इलास्टिक लग चुका है। अब यहाँ पर हम साइड की फिटिंग देंगे। साइड की फिटिंग देने के लिए नैपी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम स्टिच लगाकर साइड की फिटिंग दे देंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर स्टिच लगा लेते हैं। और देखिए, स्टिच लगाते वक्त यहाँ पर जो हमारे इलास्टिक के ऊपर कपड़ा आया है उसे अच्छी तरह से साफ करना है आपको और फिर ही यहाँ पर स्टिच लगानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा कपड़ा स्टिच में नहीं जाना चाहिए, तो कपड़े को बिल्कुल साफ करते हुए यहाँ पर हमने स्टिच लगा ली है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा ओपन पार्ट है इसे भी हम बंद करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले प्लेस कीजिए, जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे इलास्टिक के ऊपर आया है उसे साइड में हटा देंगे इस तरह से। और यहाँ पर अब हम ऊपर की ओर 1/2 इंच पर स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर वी शेप में आपको स्टिच लगानी है। ठीक है, ऊपर की ओर 1/2 इंच तक। देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमने स्टिच लगा ली है वी शेप में। अब यहाँ पर हम हल्का सा कट लगाएंगे, जहां तक हमारी स्टिच है वहां तक ही हमें कट लगाना है। बिल्कुल हल्का सा कट लगाएंगे। ठीक है, स्टिच के ऊपर हमारा कट नहीं जाना चाहिए। अब नैपी को हम सीधी साइड पलटा लेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही सुंदर नैपी बनकर हमारी तैयार है। लड्डू गोपाल जी को ये बहुत ही कम्फर्टेबल होती है पहनाने में, क्योंकि हमने फैब्रिक कॉटन का यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह से नैपी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।